बच्चों, मैं संतोष कुमार शर्मा आदित्य बिरला इंटरमीडिएट कॉलेज रैनकूट से। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, मैं क्लास 9th के हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में आप लोग को बताने जा रहा हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे प्रथम है आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है, जिसकी समय सीमा है 743 ईस्वी से लेकर 1343 ईस्वी तक। दूसरा है भक्तिकाल, जिसे पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है, इसकी समय सीमा है 1343 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी तक। तीसरा है रीतिकाल, जिसे उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है, इसकी समय सीमा है 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक। चौथा है आधुनिक काल, जिसे गद्य काल कहा जाता है, इसकी समय सीमा है 1843 ईस्वी से लेकर अब तक। बच्चों, इसके बाद भक्तिकाल के विषय में बताने जा रहा हूँ। भक्तिकाल को 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम है निर्गुण काव्यधारा, दूसरा है सगुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी के प्रमुख कवि हैं कबीरदास, जिनकी रचना आप जानते होंगे साखी सवद रमेनी है। इनका समय सीमा 1398 से 1518 ईस्वी तक रहा। इस निर्गुण काव्यधारा में दूसरी शाखा है प्रेम मार्गी, जिसके प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी, जिनके द्वारा रचित पद्मावत एक महाकाव्य है। इनका समय सीमा है 1492 ईस्वी से लेकर 1542 ईस्वी। दूसरी शाखा है सगुण काव्यधारा, जिसको पुनः 2 भागों में बांटा गया है, राम काव्यधारा और कृष्ण काव्यधारा। राम काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास जी, जिनकी रचना है रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, कवितावली। इनकी समय सीमा है 1532 ईस्वी से लेकर 1623 ईस्वी। इसके बाद हैं सूरदास, जिनकी रचना है सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। इसके बाद आता है रीतिकाल। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीतिमुक्त। रीतिबद्ध कवि में है देव, मतिराम, केशोदास, भूसर, भिखारीदास। रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी लाल जी। रीतिमुक्त में आते हैं घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। इसी प्रकार आधुनिक काल को भागों में बांटा गया है, जिसमें है आधुनिक काल के भाग हैं भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा गया है। बच्चों, आगे मैं दूसरे वीडियो में इसके बारे में जानकारी दूंगा।